पुरानी कहावत है, उम्मीद से आसमान है। कई बार इसी उम्मीद के सहारे लोग बड़ी बड़ी मुश्किलों का डटकर मुकाबला करते हैं। उसके बाद उगता है सूरज इसी उम्मीद के आसमान पर, उनके जीवन में फैले अंधेरे को मिटाने। लेकिन कभी कभी इस सूरज के उगने के इंतजार में ये उम्मीद टूटने लगती है। इसके साथ ही टूटता है हौसला और वो इंसान जिसे आस थी एक नई सुबह की। देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। केंद्र और प्रदेश सरकार विकास को लेकर तमाम दम भरती है, लेकिन आज भी जमीन पर ऐसा परिवार है जो मूलभूत सुविधाओं के लिए भटकने को मजबूर है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के राजनगर तहसील मुख्यालय से अंतर्गत विस्थापित किए गांव एकलव्य नगर की और नदिया बिहार गांव की। इन गांवों का विस्थापन वर्ष 2004-2005 में पन्ना टाइगर रिजर्व के द्वारा जंगलों में बसे रैपुरा चेनारी मोटा चोकन गांवों से चंद्रनगर रेंज के अंतर्गत बेडरी ग्राम पंचायत और राजगढ़ ग्राम पंचायत में एकलव्य नगर और नदेहा बेहर के नाम से विस्थापित किया गया। साथ ही जमीन का अधिकार प्रमाण पत्र दिए गए थे। आपको बता दें कि एक लंबा वक्त बीता, लेकिन आज तक ग्रामीणों को राजस्व से नहीं जोड़ा गया। ग्रामीणों का कहना है कि जब पन्ना टाइगर रिजर्व के द्वारा उन्हें विस्थापित कराया जा रहा था, तब तमाम दावे किए गए थे, वादे किए गए थे, लेकिन वर्षों बीत जाने के बाद भी आज तक विस्थापन किए गए राजस्व गांव को राजस्व से नहीं जोड़ा गया। इसके कारण प्रदेश और केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है और लोग योजना से वंचित हो रहे हैं। इस मामले की पड़ताल शुरू की तो पता चला कि पन्ना टाइगर रिजर्व के द्वारा 2020 में छतरपुर कलेक्टर को लिखित शिकायत जारी कर विस्थापित गांवों को एक पत्र लिखा गया। आपको बता दें कि यहां पर इसके बावजूद भी जिम्मेदार इस पर गौर नहीं दे रहे हैं। उन्होंने आश्वासन के सिवाय कुछ उनके हाथ नहीं लगा है। पन्ना टाइगर रिजर्व के द्वारा लिखा गया है, राजनगर SDM DP द्विवेदी का कहना है कि इनके लिए सुविधा उपलब्ध कराना जनहित में है और तहसीलदार और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को लिखूंगा जो कृषकों को सुविधा दी जाए। मामले को लेकर राजनगर कांग्रेस विधायक विक्रम सिंह से बात की तो उन्होंने बताया कि विस्थापित ग्रामीणों के भू अधिकार ऋण पुस्तिका उपलब्ध कराए जाने और उन्हें राजस्व में जोड़ने के लिए मंत्री और विधानसभा में ध्यान आकर्षण में उठाया है, इन्हें अधिकार मिलना चाहिए। लंबे समय से इंतजार, योजनाओं से वंचित ग्रामीणों को कब मिलेगी योजनाओं का लाभ, आखिर कब ग्रामीणों को राजस्व से जोड़ा जाएगा, ये तो बड़ा सवाल है। फिलहाल देखना होगा कि मामला मीडिया में आने के बाद जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी कब तक पूरा करते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इतने से कम घर पे बस एक तैया है, मकान नहीं मिलो? हाँ हाँ, अब आए तो भले हैं, सो अब मन रहे नहीं है। हाँ, हाँ। के पट्टा काय नहीं बन पा रहे? पट्टा नहीं बन पा रहा जी, हम तो बहुत लड़ाई लगा। कब से परेशान हो? बहुत दिन से, जब से आए हैं। कितने साल हो गए? कम से कम 20 साल हो गए। अच्छा। निकल जाओ तो नहीं नहीं पट्टा नहीं बन पा रहा 20 साल से। हाँ हाँ। कौन से गांव में रहते पहले? पहले रहते ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान अंतर्गत छतरपुर जिले के ग्राम रैपुरा चनारी मोटा चौकन पीपर टोला के विस्थापितों को वन भूमि अधिकार व्यवस्थापन एवं भू राजस्व ऋण पुस्तिकाओं के प्रदाय कराए जाने के संबंध में ये माननीय मंत्री जी को मैंने पत्र भी दिया है। पत्र के साथ साथ मैंने इसको ध्यान आकर्षण में लगाया है। ये ध्यान आकर्षण की जो सूचना पटल पे आई थी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है राजराम। अच्छा, कौन सा गांव है ये? जो है एकलव्य नगर ग्राम। क्या परेशानी आ रहा? अब परेशानी यही है कि बाकी हम लोगों को जैसे ये पट्टाबंदी शासन वन विभाग राष्ट्रीय उद्यान ने दिया है, तो इस पट्टन के विषय में हम लोगों के खाद बीज लोन कैरेट कार्ड पंजीयन हम लोगों है को ही नहीं पाए जा रहे। और राजस्व विभाग में हमारे पट्टे घोषणा जमीन करने चाहिए, नेट में चढ़ने चाहिए हमारे, हम लोगों को। क्या नाम है आपका? हरि प्रसाद पटेल। अच्छा, कौन सा गांव है ये? जी सर, एकलव्य नगर। क्या मामला है यहाँ का? सर यहाँ ये मामला है कि जो यहाँ के जो 2004 में आए हुए थे मोटन चौकन रैपुरा चनारी से, तो
इन लोगों को आज तक ना तो इनकी ज़मीन राजस्व में हुई है और ना ही इन लोगों को जो मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री जी द्वारा किसान सम्मान निधि दी जा रही वो भी नहीं मिल रही है। नौवीं किस्त सर जारी होने को है लेकिन आज तक इन लोगों को एक भी पैसा नहीं मिला है। सर, राजनगर तहसील क्षेत्र में नादिया बेहर और एकलव्य नगर व्यवस्थापन किया गया था पन्ना टाइगर रिजर्व से, इन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा सर और राजस्व से जोड़ा नहीं जा रहा। मोटा चौकन वगैरह से जो मोटा चौकन ऐसे तीन गांव हैं जो इनके लिए पन्ना टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट के अंतर्गत आने से इनको विस्थापित किया गया था। इनको बेड़दी में या एकलव्य नगर में बसाया गया है। इनके लिए फॉरेस्ट के द्वारा अस्थायी पट्टे दिए गए हैं। वन भूमि से जब तक भूमि राजस्व अंतरित नहीं हो जाती है